राजस्थान भासोड़ा क्षेत्र में बीते दिनों हवा के साथ ओलावृष्टि हुई। कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ ओले भी गिरे, जिससे क्षेत्र में गेहूं, सरसों, इसबगोल विशेषकर अफीम किसानों को खासा नुकसान हुआ। मोखमपुरा फुटिया खेड़ा के माधुलाल जाट ने बताया कि बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अफीम किसानों को लुवाई करती हुई अफीम बारिश से धुल गई, साथ ही अफीम के पत्ते फट जाने के कारण अफीम में खासा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल हवा से जमीन पर फैल गई। इस बारिश से हुए नुकसान को लेकर किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है। कुथना, भातसोड़ा, नपानिया, बांधसेन, लेसवा, सोहनखेड़ा, बांगुड़, भदेसर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लोकसभा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के द्वारा संभागीय आयुक्त उदयपुर को पत्र लिखकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर संभाग में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की गिरदावरी के लिए आवाज उठाई। माधुलाल जाट, रिपिया मुद्दे नुकसान हुआ सर, दूध दवा दियो, बारिश ओलावृष्टि, हाँ चंदा बड़गी साहब, भारी नुकसान हुआ, नींद नहीं आई रात, ये दूसरी सी पड़ रही है साहब, चौथा दिन है आज, मैं कहीं रेत मलती हुए तो रामेश्वर लाल है, बहुत भारी नुकसान हुआ ओलावृष्टि से, बारिश होने से अफीम का दूध डूब गया और किसानों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सरकार से निवेदन है कि कोई राहत देने का कार्य करे। 30-40% नुकसान हुआ साहब, 70% नुकसान हुआ, अफीम, अशोक फूल, चना, गेहूं सब अड्डे पड़ गए और अफीम को बहुत भारी नुकसान हुआ है। धुपई होगी बिल्कुल, अभी काम चालू किया 2 दिन ही हुआ है।